हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और एक रिक्वेस्ट जो है वो सीटेट की संस्कृत के लिए काफ़ी दिन से ये कमेंट्स आ रहे थे, तो यस स्टार्ट तो करना ही था। हमने पहले भी इसको देखा है और अब इस एग्ज़ाम के लिए भी स्टार्ट करना ही था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, यूपी टेट की जो आपकी संस्कृत चल रही वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी, साथ में ही सीटेट की भी आपकी चलेगी। तो आई थिंक डे डिवीज़न होगा इसका और कैसे होता है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल सीटेट की संस्कृत फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले भी हालांकि पेडागॉजी के काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जो कि अभी लेटेस्ट ही हैं क्योंकि आपका जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था उसी के लिए प्रिपेयर किए गए थे, तो वो भी यूज़फुल बराबर ही है। बट फिर भी एक नए सिरे से हम उसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो है, आज पैडागॉजी का क्वेश्चन नहीं है, एक पद्यांश है, क्योंकि पद्यांश जो है वो आते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। तो और उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये दो आते हैं, एक में करीब आपके 7 क्वेश्चन करीब आ जाते हैं, एक में करीब ऐसे 8 क्वेश्चन करके आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो इस तरह का एक पद्यांश ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है एक सीटेट एग्ज़ाम में, और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। प्रैक्टिस के तौर पे इसे देखना है हम यहाँ पे कि कैसे आते हैं और कैसे आप उसको कुछ समझना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 4 लाइन्स लिखी हुई हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पहले सबसे तो आप यही काम करिएगा एग्ज़ाम में, जब कभी भी ऐसे आप पद्यांश पढ़ेंगे एग्ज़ाम में तो पढ़ते वक्त, पहले तो पढ़ना ही अच्छे से, पढ़ते वक्त आप ये अपने मन में समझते जाइएगा कि कितने का मतलब हमें समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ को देखते जाएगा। तो एक बार पढ़ते वक्त आधा समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा समझ में, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस देखना है और क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिल सकता है उसको मार्क करते चलना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं फिर। शब्दायन्ते मधुर मनिलय कीचकाह पूर्ण माणाह संसक्ताभिस्त्री पुर विजयो गीयते किन्नरी भी निर्हादस्ते मुरज इवचेत कंदरेश ध्वनि स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपते स्त्रय भावी समग्रह। ओके, समझिए इसका मतलब। देखिए यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ, एग्जाम में हालांकि ये नहीं होगा तो आपको खुद ही से समझना है। देखिए यहाँ पे पहला जो है कीचकों के बारे में है कि कीचक जो है उन्होंने मधुर शब्दों का गुंजन करना यानी स्टार्ट कर दिया है, उसको गाना बोलना स्टार्ट कर दिया है, जिससे वातावरण जो है वो पूरी तरह से कैसा हो गया, मुग्ध हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी लाइन आपकी वो ये कहती है कि जैसे जब कीचकों ने मधुर शब्दों का गान स्टार्ट किया, मधुर गान स्टार्ट कर दिया गया, तो किन्नरों ने भी त्रिपुर विजय का गान करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद की जो दो लाइन है उसका ये सेंस निकल कर आता है आपका कि पशुपति यानी कि भगवान शंकर, पशुपति नाम यूज़ हुआ है ना, तो इसका मतलब है भगवान शंकर जी के संगीत या स्तुति के लिए जब मृदंग, मुरज वर्ड यूज़ हुआ है, मुरज मतलब होता है मृदंग, तो जब मुरज बजता है तो उसकी ध्वनि ऐसी होती है मानो वो मेघ की ध्वनि हो, ठीक है, जब ऐसी बजने लगता है कि उसकी ध्वनि मेघ की ध्वनि के जैसे सुनाई पड़ती है, तब जाके पशुपति के संगीत की संपूर्णता जो है वो संपन्न होती है, संपूर्ण माना जाता है। ध्यान रखिएगा ये आगे क्वेश्चन में आपको काम आएगा कि मृदंग की ध्वनि को एक तरह से क्या कह सकते हैं, कंपेयर किया गया है या उसकी उपमा दी गई है किससे, मेघ की आवाज़ से। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चंस एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसे एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, तो आप पहले एक बार क्वेश्चंस देख लीजिएगा, उसके बाद फिर उसको अच्छे से रीड करिएगा और मार्क करते चलिएगा। कीचकाह किम कुर्वन्ती, कीचकाह क्या करते हैं, तो यहाँ पे है आपके पास, देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधे सीधे लिखा है कीचका वाली लाइन में लिखा ही है, मधुर शब्द जो है वो उसका उत्पादन यानी कि उसका गान करते हैं। फिर इसके बाद आप जो किन्नर वाली लाइन एक्सप्लेन की थी ना उसके बारे में है ये कि वो क्या गाते हैं, मधुर गीत गाते हैं, कीचक वधम गाते हैं, त्रिपुर विजयम गाते हैं या पशुपति निंदाम गाते हैं। यस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाता है आपका, वो त्रिपुर विजय का गान करना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशुपते संगीतार्थ कदा समग्रो भवति, यानी कि पशुपति के जो संगीत है वो कब संपन्न होता है। आई थिंक अब दोबारा पद दिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदी से एक्सप्लेन हो चुका है, तो फटाफट से आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए और रिप्लाई कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर इसके लिए क्या होता है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यदा मेघस्य ध्वनि स्यात्, यानी कि जब मेघ की ध्वनि जो है वो सुनाई पड़ती है। इदम पद्यम कस्मिन वृत्ते निबद्धम, यानी कि इस पद में जो आपने अभी पढ़ा है उसमें कौन सा वृत्त यूज हुआ है, या इन सेंस आप कह सकते हैं कि कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिए। बिल्कुल सही उत्तर होता है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, मंदाक्रांतावृत्त का प्रयोग हुआ है। ये 17 अक्षर वाला एक संवृत्त होता है, ठीक है, और इसके हर पाद में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़, ठीक है, और ये 2 गुरु अक्षर होते हैं। और बेसिकली जो मेघदूत है जो कि कालिदास की रचना है, इसमें केवल मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ है। अस्य पद्यस्य तृतीय पादे को अलंकार है, यानी कि जो इस पद का तीसरी जो लाइन थी उसमें कौन सा अलंकार है, तो एक बार लाइन दिखा देते हैं फटाफट से। ओके, तो ये वाली लाइन है, देख लीजिए जल्दी से। एंड एक्सप्लेनेशन इसका हो चुका है। अच्छा, वीडियो को लाइक करते वक्त सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हुआ है, अभी मैंने एक बार रिवाइंड भी कराया था कि मृदंग की आवाज़ और मेघ की आवाज़ है ना, मृदंग की आवाज़ की उपमा मेघ की आवाज़ से दी गई है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, उपमा अलंकार, है ना। सो ये आज की क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धीरे धीरे वीडियो जो है लॉन्ग होते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज होते जाएंगे। मतलब पेशेंस रखिए, और प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी संस्कृत पैडागॉजी क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो आप उनको देख लीजिए विद एक्सप्लेनेशन है। प्रैक्टिस करिए तब से, और बाकी प्रैक्टिस आगे की जो है वो लेटेस्ट प्रैक्टिस वो मैं कराऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।